हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वीट्स एंड स्पाइस। आज हम बनाएंगे हरा भरा कबाब। हरा भरा कबाब वेज के लिए एक स्टार्टर बहुत ही अच्छा और बहुत ही फेमस स्टार्टर है, जो हर कहीं पे बहुत ही इजीली मिल जाता है। आज हम वैसे ही इजीली घर पे भी बनाएंगे। उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स है, ये बॉइल्ड और स्मैश किया हुआ पोटैटोज है, दो आलू लिया है मैंने, ये एक कटोरी बॉइल और स्मैश किया हुआ मटर है, ये कुछ पत्ता गोभी, पालक है, पालक को भी ब्लांच करके मैंने स्क्वीज करके अच्छे से पानी सब निचोड़ के फिर उसको बारीक बारीक काट लिया है। ये ओट्स है जो हमें बाइंडिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी, कोथमीर है, चाट मसाला है, नमक है, कॉर्नफ्लोर है, भुना हुआ जीरा और धनिया का पाउडर है, और ये अदरक और हरी मिर्च को दरदरा सा मैंने छोटे छोटे टुकड़े में मैंने चॉपर में इसको चॉप किया है। तो वैसे ही हमको चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं करनी है उसकी। गार्निशिंग के लिए धनिया है और फ्राई करने के लिए ऑयल है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये मैंने दो मीडियम साइज के आलू लिए हैं और उनको बॉईल करके स्मैश किया हुआ है। बॉईल किए हुए मटर एक कटोरी लिया है, आधी कटोरी पत्ता गोभी लेना है, बहुत ज्यादा नहीं लेनी है हमें, उसको भी चॉपर में बारीक कर लिया है मैंने। ये 200 ग्राम पालक है, ब्लांच करने के बाद बारीक कटने के बाद ये बहुत ही कम दिखता है मगर 200 ग्राम लिया है मैंने। हरा धनिया 2 से 3 चम्मच जितना, भुना हुआ धनिया और जीरा का पाउडर है वो एक छोटा चम्मच लेना है, अदरक और हरी मिर्च वो भी एक चम्मच, नमक लेंगे टेस्ट के हिसाब से। इसमें मैंने मटर में बॉईल करने के टाइम थोड़ा सा नमक लिया है तो इधर थोड़ा कम लेंगे, और वैसे भी हम चाट मसाला यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी नमक होता है। एक छोटा चम्मच चाट मसाला, 2 बड़े चम्मच जितना ओट्स लेंगे, इसको हाथ से ही अच्छे से मिला लेंगे सब मसाला। स्टार्टर के लिए वेज के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। प्री प्रिपरेशन करके रखेंगे तो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। फ्राई करने के लिए हम तेल गरम करने के लिए रखेंगे। हम थोड़ा सा ओट्स और लेंगे, ज़्यादा एक चम्मच। कॉर्नफ्लोर को हम एक बड़े बाउल में ले लेंगे। इसे कॉर्नफ्लोर में रोल करना है। इसी तरह से हम सारी पैटी बना लेंगे।
बहुत मोटी मोटी पेटी नहीं बनानी है हमें। ऑयल अच्छे से गरम हो गया है। इसको अच्छे से गरम तेल में ही फ्राई करना है। अगर तेल ठंडा होगा तो टिक्की खुलने का भी डर रहता है। और एक साथ में बहुत ज़्यादा भी टिक्की नहीं डालनी है हमें, 4 से 5 जितनी बड़ी कढ़ाई हो उसके हिसाब से ही थोड़ी सी लेनी है। फ्रेंड्स ये फ्राई हो गई है। गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है हमें। गार्निशिंग के लिए धनिया हमें स्टेम्स के साथ लेना है और इसको फ्राई करें। बहुत ही सॉफ्ट रहता है इसलिए बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है और बहुत ही तेज आंच पे भी नहीं करना है। कोथमीर जो हमने फ्राई करके लिया है थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे, हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स एक बार जरूर ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी बन जाता है ये। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।